तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इटालियन चेकर्स के कुछ ऐसे रूल्स और कुछ ऐसे ट्रिक्स जिससे आपको पता चलेगा कि आप भी इन चेकर्स में माहिर हो सकते हैं। तो दोस्तों लेट्स गो। तो अभी मेरे ओपोनेंट ने अपना चाल दे दिया है तो मुझे भी अपना चाल देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स गुरु को और उस बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास अब से 5 गुटिया ही बची है और उनके पास 2 किंग्स बचे हैं और बहुत सारे गुटिया बची है। तो मुझे अभी ध्यान से खेलना पड़ेगा और हर तरफ नज़र रखनी पड़ेगी। तो मैंने भी एक किंग बना लिया है। अब मुझे बस करना ये है कि मुझे बस बचते रहना है। तो अभी मेरे पास और कोई चांस नहीं है क्योंकि जो ये वाला जो ग्रीन में मार्क किया हुआ है वो वाले गुटी को 3 जगहों से अटैक मिल रही है। अगर उन्हें मैंने फॉरवर्ड में किया तो भी ये वाला तो भी जो वाइट गुटी है वो मुझे काट देंगी और अगर मैंने उसको उधर ही रखा तो किंग मुझे काट सकते हैं। तो मुझे इसको ही चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं भूल ही गया था कि मेरे पास एक किंग भी है। तो मैं मेरे किंग को फिर से चलाने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने गेम में मैनेज किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल स्पोर्ट्स गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको भी ये वाला गेम खेलना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया हुआ है, आप उधर जाके इस वीडियो को आसानी से और इस गेम को आसानी से खेल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैं जीत चुका हूँ। तो अगर आपको ये ट्रिक्स समझ में नहीं आते हैं तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए वो ट्रिक्स जो मैंने किया। और अगर आपको कुछ ज़रूरत हो तो आप इस गेम को डाउनलोड कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और इस गेम को खेलिए तो आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद।